से मिलकर बना। इसमें देह में चरम है, खून है, पांच तत्वों से मिलकर बना है। पांच तत्व कौन कौन से? चिति जल पावक गगन समीरा, मिलकर शरीर बना। कौन? वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल। इन पांच तत्वों से शरीर बना है। और जब शरीर पूरा होता है तो इन पांच तत्वों में ही ये काया मिल जाती है पिताजी। और ये जो जितने नाते हैं ना, माता पिता भ्राता भाई भगनी, ये जितने भी नाते हैं सब स्वार्थ के नाते हैं, कोई अपना नहीं। ये तो यात्री सहयात्री है। यात्री तो एक ही है, वो राम जी का नाम है, बाकी सब सहयात्री हैं। बोले मतलब? बोले सुनो, आप कभी रेलगाड़ी में बैठे, ट्रेन पर, जिस सीट पर आपका टिकट हो वहां बैठो तो सामने वाली सीट में भी कोई ना कोई सहयात्री होता है। आप पहुंचो अपनी सीट पर बैठो, सामने वाला भी बैठे। कुछ दूर ट्रेन चले, भई आप कहाँ जा रहे? तो जवाब, आप कहाँ जा रहे, कहाँ से आए? अच्छा, आप कहाँ रहते? वार्ता होने लगी। अच्छा जी, हम अपने घर से लड्डू लाए, जरा पाइए तो शुद्ध घी के। आपने उन्हें लड्डू खिलाया, उन्होंने आपको हलवा खिलाया। अब आप दोनों का बड़ा प्रेम हो गया। अचानक स्टेशन आ जाए सामने वाले का, आप कितना भी रोको पर वो क्या रुकेगा? जवाब दो, नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी टिकट वहीं तक की है, उसे उतरना पड़ेगा। नहीं उतरेगा तो काले काले कोट वाले टीटीआई आएंगे, जबरदस्ती उठा करके फेंक देंगे। हाजी अनाजी, उसी प्रकार संसार में आप हैं यात्री, माता पिता पुत्र पुत्री हैं सहयात्री। इनसे प्रेम हो जाता, तुम कौन? तुम बेटा। तुम कौन? तुम पिता। तुम कौन? तुम पत्नी। तुम कौन? तुम माता। प्रेम बढ़ जाता, लड्डू खाओ, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, काम करो, आगे बढ़ो, हम तुमसे बड़ा प्रेम करते। ये तरह तरह की बातें चलती। पर जब तक पिताजी का स्टेशन आ जाता, पिताजी उतर लेते। अब पिताजी को तुम खूब रोको, मत जाओ, पर क्या पिताजी रुक पाते हैं? नहीं। अगर रोके, आप खूब रोको, अगर वो रुकना भी चाहें तब भी काले काले जम के दूत आओ, जबरदस्ती पकड़ के ले जाओ, सो तुम शमशान में जाके फूंक आओ। हाजी या नाजी, ये संसार सागर है, यहाँ कोई अपना नहीं है सिवाय माधव के। सच्चा साथी तो केवल गोविंद का नाम है।